सो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि ग्रैंड प्रिस्ट नए यूनिवर्स के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तलाश कर रहे हैं और वो सभी एंजल्स को एक नए और ताकतवर डिस्ट्रॉयर ढूंढने का काम दे देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को गॉड ऑफ स्पेस के बारे में बता देता है और ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने प्यारे कमेंट भी करते रहना। मुझे पता है आपके कमेंट्स क्रिएटिव हैं, तो भूलना नहीं। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू और ब्रोली पर, और गोकू ब्रोली को ग्रैंड प्रिस्ट की बात बताता है और कहता है, ब्रोली, ग्रैंड प्रिस्ट एक नए यूनिवर्स को बनवा रहे हैं और उन्हें एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो क्या कहते हो? ब्रोली पूछता है, क्या कहना है, मैं कुछ समझा तो नहीं। गोकू कहता है, अरे ये तुम्हारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें पता है हम सभी ने तुम्हें चुना है एक नए डिस्ट्रॉयर के लिए। ब्रोली कहता है, क्या, मगर मैं कैसे, मुझे तो डिस्ट्रक्शन करना नहीं आता। गोकू कहता है, उसकी टेंशन क्यों लेते हो, उसके लिए तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्रोली गोकू की बात से सहमत नहीं होता और वो बोलता है, नहीं गोकू, मैं डिस्ट्रॉयर नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे नॉर्मल लाइफ ही सही लगती है। गोकू कहता है, मगर क्यों ब्रोली, ये मौका बार बार नहीं आएगा, इसलिए इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो गोहान से मिलता है। वेजिटा गोहान से कहता है, अरे गोहान, क्या तुम्हें नए यूनिवर्स के बारे में पता है? गोहान पूछता है, क्या नया यूनिवर्स, मैं कुछ ठीक से समझा नहीं। वेजिटा स्माइल करके कहता है, अच्छा, इसका मतलब कैकरोट ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। गोहान कहता है, नहीं वेजिटा, मुझे बताओ मुझसे क्या छुपाया जा रहा है। वेजिटा अब गोहान को सारी बात बता देता है। तभी गोहान गुस्से में कहता है, क्या कहा, उस यूनिवर्स के लिए ब्रोली को चुना जा रहा है और डैड ने मेरे लिए मना कर दिया, ये डैड ने सही नहीं किया। वेजिटा कहता है, कैकरोट भी अपनी जगह सही है, गोहान तुम अभी उस पोजीशन के लायक नहीं हो। गोहान अपने आप को शांत रखते हुए कहता है, वेजिटा तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे बताया, लेकिन मैं अपना हक लेकर ही रहूंगा। अब सीन जाता है यूनिवर्स 11 पर, जहां पर टोपो कहता है, देखो जिरेन, मुझे पता है इस कंपटीशन में बाकी लोग भी होंगे, मगर पूरे मल्टीवर्स में जो तुमसे टक्कर ले सकते हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे, तो तुम्हारा रास्ता साफ है। जिरेन कहता है, तुम नहीं समझ रहे हो टोपो, मैं यहाँ पर बस अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ और मैं किसी भी पोजीशन को हासिल नहीं करना चाहता हूँ। अब सीन जाता है हिट पर और वो कहता है, क्या बात है लॉर्ड चैंपा, आपने मुझे बुलाया। चैंपा स्माइल करते हुए कहता है, देखो हिट, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए कितने वफादार हो और मैं जानता हूँ कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, मगर फिर भी मैं तुम्हारे मुँह से ये सुनना चाहता हूँ। हिट कहता है, आप मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हो लॉर्ड चैंपा? अब वेडोस कहते हैं, हिट, ग्रैंड मिनिस्टर ने एक नए यूनिवर्स को बनवाने का विचार किया है, तो क्या तुम वहां के डिस्ट्रॉयर बनना चाहोगे? हिट अब सोच में पड़ जाता है। चैंपा स्माइल करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना वेडोस कि हिट अपने गॉड का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इतने में हिट कह देता है, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर चैंपा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने, तुम वेडोस की बात मान गए? हिट कहता है, मेरी लाइफ में मैंने पैसों के लिए बहुत काम किए, दाम जितना बड़ा होता था मैं उस तरफ चला जाता था, और यहाँ पर तो दाम इतना बड़ा है कि कोई भी इसे मना नहीं कर सकता है। चैंपा कहता है, अबे तुम, वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा, आप नए डिस्ट्रॉयर को ऐसे धमका नहीं सकते हो। अब सीन जाता है वापिस से ऊपर और गोकू ब्रोली को समझाने की पूरी कोशिश कर चुका होता है, मगर ब्रोली गोकू की बात नहीं मानता है। तभी वहां पर चिलई आती है और वो कहती है, अरे ब्रोली, जब गोकू कह रहा है कि तुम डिस्ट्रॉयर बन जाओ तो बनते क्यों नहीं हो? ब्रोली कहता है, तुम चुप करो, तुम्हें नहीं पता है कि डिस्ट्रॉयर का काम क्या होता है, मुझे तो ये यूनिवर्स को क्रिएट करना ही गलत लग रहा है, आखिर वो क्यों नया यूनिवर्स बना रहे हैं? चिलई कहती है, ओके तुम जाओ, मैं ब्रोली को समझा दूंगी, ओके? गोकू कहता है, ओके, मगर याद से ब्रोली को लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर भेज देना। ब्रोली कहता है, मैं वहां नहीं आऊंगा। चिलाई कहती है, तुम्हारा तो बाप भी जाएगा,
अब गोकू वहां से चला जाता है। ब्रोली कहता है, तुमने गोकू से क्यों हाँ की? ब्रोली, माना कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, मगर तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, समझे? हमें भी एक नया घर चाहिए था, तो सोचो हमें अब घर के साथ पूरा यूनिवर्स ही मिल रहा है। इसके बाद सीन जाता है बीरस के प्लैनेट पर, जहां पर गोकू आता है। बीरस कहता है, गोकू ब्रोली को लेकर नहीं आए? गोकू बताता है, लॉर्ड बीरस, ब्रोली को थोड़ा टाइम लगेगा, चिलई उसे समझा रही है। बीरस अब स्माइल करके कहता है, क्या चिलई भी वहां थी? तो तुम उसे यहाँ ले आते? विच कहता है, माफ कीजिएगा लॉर्ड बीरस, मगर चिलई का यहाँ कोई काम नहीं है। बीरस बोलता है, वो मैं सोच रहा था कि अब मैं भी एक फैमिली मैन बन ही जाता हूँ। विश बीरस का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, लॉर्ड बीरस, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता, आप एक खुसड़ बुड्ढे हो चुके हो। बीरस कहता है, अच्छा अगर मैं बुड्ढा हूँ तो आ जाओ तो बात कर लेते हैं। गोकू कहता है, अब आप दोनों ये मजाक छोड़कर काम की बात करोगे? इसके बाद सीन जाता है दूसरे टाइमलाइन के ग्रैंड प्रिंस पर, और वो बीरस को डांट लगा रहा होता है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, बीरस तुमने किसकी परमिशन से अर्थ उस क्रिएचर को दे दी? ग्रैंड मिनिस्टर, मैं कुछ समझा नहीं। ग्रैंड प्रिंस को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, ज्यादा भोले बन रहे हो, लगता है कि तुम्हें बताना पड़ेगा। बीरस कहता है, नहीं नहीं माय बाप, आप मुझे कुछ मत करिए, मैंने अर्थ को उसे सिर्फ बातों में दिया था, मैं उसे असलियत में अर्थ नहीं देने वाला हूँ। विच कहता है, हाँ फादर, हम सिर्फ उस क्रिएचर से बात करने गए थे और उसे रोकने का कोई तरीका ढूंढ रहे थे। ग्रैंड प्रिंस अब जैनो के गार्ड से बोलता है, गार्ड्स, हमें मल्टीवर्स को सिक्योरिटी देनी होगी, सभी मल्टीवर्स के चारों तरफ एक बैरियर लगाओ और ध्यान रहे उसमें ऐसे मैजिक होने चाहिए जिससे कोई भी वहाँ पोर्टल बनाकर ना आ पाए। गार्ड सब वहाँ से चले जाते हैं और पूरे मल्टीवर्स में बैरियर लगाने चले जाते हैं। अब ग्रैंड प्रिंस कहता है, सुनो तुम दोनों, अब अगर वो दोबारा अर्थ में आने की कोशिश करे तो उसे रोके रखना, बाकी का मैं देख लूंगा। विच कहता है, जी फादर। अब ग्रैंड प्रिंस वहाँ से चला जाता है। बीरस कहता है, विच, ये बात ग्रैंड मिनिस्टर को कैसे पता चली? विच कहता है, शायद गोकू ने ही बताया होगा लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी ग्रैंड प्रिंस वापस आता है और बोलता है, और एक बात बीरस, गोकू से तमीज से पेश आना, उसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ग्रैंड प्रिंस वहां से चले जाते हैं। बीरस बोलता है, एक तो कौड़ ऊपर से खुजली। इसके बाद सीन जाता है अर्थ में, जहां पर गोकू बुलमा से बात कर रहा होता है और वो बोलता है, बुलमा, ग्रैंड मिनिस्टर उस क्रिएचर से हमें बचाएंगे, अब हमें वेजिटा को लाने में फोकस रखना है। बुलमा कहती है, मैं ट्राई तो कर रही हूँ गोकू, मैं सुपर ड्रैगन बॉल्स को डिटेक्ट करने की मशीन बना रही हूँ। इतने में वहां पर बीरस आता है और कहता है, उसे बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल का तुम यूज नहीं कर सकते हो, उन्हें सिर्फ गॉड यूज कर सकते हैं। और एक बात, इस वक्त सभी सुपर ड्रैगन बॉल चैंपा के पास है। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, चैंपा तो आपके भाई हैं, तो आप उनसे बात कीजिए। तभी बीरस को गोकू पर गुस्सा आता है और वो बोलता है, अगर ग्रैंड मिनिस्टर ने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं भेजा होता तो मैं तुम्हारी हजामत कर देता। तभी विश कहता है, लॉर्ड बीरस, अब आप गोकू पर इतना गुस्सा करोगे? वो बेचारा तो बस अपने दोस्त को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। अब सीन जाता है उस क्रिएचर यानी कि गॉड ऑफ स्पेस पर, और वो फिर से एक होल बनाने की कोशिश करता है, मगर इस बार वो कुछ नहीं कर पाता। देखते ही देखते 2 वीक बीत जाते हैं और अर्थ में 2 वीक के अंदर वो क्रिएचर दिखाई नहीं देता। बीरस कहता है, विश, लगता है ग्रैंड मिनिस्टर ने खतरनाक शील्ड लगवाई हुई है, 2 हफ्ते हो गए वो गॉड दोबारा नहीं आया। विश बोलता है, जी लॉर्ड बीरस, आप सही कह रहे हो। बीरस कहता है, ओके तो अब मैं सोने जाता हूँ, तुम मुझे जगा देना। सीन फिर से जाता है अर्थ में, जहाँ पर बुलमा कहती है, गोकू, मैंने वो मशीन बना ली है और मुझे पता चला कि चैंपा के पास पूरे सुपर ड्रैगन बॉल नहीं है, उनके पास सिर्फ 4 सुपर ड्रैगन बॉल्स हैं, यानी कि 3 बॉल और बाकी हैं। गोकू बोलता है, फिर तो हमें जल्दी करनी चाहिए है। कि तभी इतने में वहां पर जोरदार धमाका होता है और
जिससे पूरी सिटी तबाह हो जाती है। गोकू ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, बुलमा अंडरग्राउंड जाकर छुप जाओ। तभी अर्थ में बहुत सारे एस्ट्रॉइड गिरने लगते हैं जिससे अर्थ तबाह हो रही होती है। तभी ग्रैंड ब्रिज विश से कहता है, विश पीरस कहाँ है? विश कहता है, वो तो सो रहे हैं फादर। ग्रैंड ब्रिज बहुत ही गुस्से में कहता है, उसे जल्दी जगाओ और अर्थ में जाओ, हमारे बैरियर में एक छेद हो चुका है, इसलिए जल्दी से वहां पहुंचो। विश कहता है, जी फादर। अब सीन गोकू पर जाता है और वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? बैरियर के होने के बावजूद भी यहाँ पर कैसे हमला हो सकता है? अब गोकू को फिर से वो होल दिखाई देता है और उस होल में से एक आवाज आती है, तुम्हें क्या लगा मैं एक बैरियर से रुक जाऊंगा? अब गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है, इस बार नहीं। तभी गोकू उस पर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन इतने में वहाँ पर विश और बीरस आ जाते हैं और वो बोलते हैं, रुको गोकू, इसे हम संभालेंगे। बीरस कहता है, विश तुम बैरियर को प्रोटेक्शन दो, मैं इस गोट को रोकता हूँ। विश कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस। अब विश अपने स्टाफ से बैरियर को और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। गॉड ऑफ स्पेस कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अर्थ दे दोगे। बीरस कहता है, कहा तो था मगर कहने में और करने में फर्क होता है, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए वापस चले जाओ। तभी वो गॉड ऑफ स्पेस बीरस पर इलेक्ट्रिक अटैक करने लगता है, जिसे बीरस अपने एक हाथ से रोक रहा होता है। गोकू कहता है, अब मैं समझ गया, अभी वो अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने सिर्फ एक छोटा होल किया है, वो अब अर्थ में एंटर नहीं कर सकता। अब बीरस और विश उस गोड को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी गोकू उड़ते हुए आता है और एक जोरदार पंच उस गोड के मार देता है, जिससे वो गोड पीछे हट जाता है और वो क्रैक होल रिपेयर हो जाता है। बीरस स्माइल करके कहता है, शुक्रिया गोकू। गोकू कहता है, क्या वो वापस नहीं आएगा? विश कहता है, अभी के लिए तो नहीं गोकू। गोकू कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो गया है, वो वहीं पर है। तो हेलो गाइस, वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।